नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, नोएडा का ई ऑक्शन जो रेजिडेंशियल प्लॉट में है वो चल रहा है अभी, और पिछले 3 दिन की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो वो थोड़ी सी अजीब सी है। 241 प्लॉट निकाले थे इन्होंने ई ऑक्शन में रेजिडेंशियल के, जिसमें से 184 प्लॉट की जो है ऑक्शन हो चुकी है। और अगर आप यकीन नहीं मानोगे कि जो 14 प्लॉट हैं, हालांकि हर बार ऐसा ही होता है, बाद में लोग पहले बोली लगा देते हैं करोड़ों रुपए की और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है, कि भाई हमसे गलती से हो गई है। या येड़ा में भी एक बार पहले ही ऐसा हुआ था जब दुकानों की बोली लगी थी। तो अभी सेक्टर 44 के अंदर एक बड़ा फेमस प्लॉट है 450 स्क्वायर मीटर का, जिसकी 1100 करोड़ रुपए जो है बोली लगाई गई है, ठीक है। ये लाखों रुपए से स्टार्ट होती है और करोड़ों रुपए में, कहाँ करोड़ों रुपए मतलब चली जाती है। देखिए आप, इस तरीके से बोली लगाई जा रही है। तो 14 प्लॉट ऐसे हैं जिनके जो आवेदन करता है एप्लीकेंट्स ने माफ़ी मांगी है कि भाई हमारे से जो है गलती हो गई है और हमें आ नहीं रहा था, इस तरीके के जो है रीजन दिए जा रहे हैं। लेकिन अथॉरिटी जो है इस पर सख्त एक्शन लेगी। आपको पता है कि वो जो है जितने भी उनकी मनी होती है, जो EMD वगैरह होती है, उसको जो है अपने पास फॉरफिट रख लेती है, मतलब जब्त कर लेती है उनको, और वापस नहीं मिलती है। अब देखना ये होगा कि कितना पैसा जो है अथॉरिटी को मिल जाता है इसमें। अभी 170 जो प्लॉट हैं बचे हुए 14 के अलावा 184 में से, उनकी जो है अगर मैं टोटल कीमत की बात करूं तो तकरीबन 500 करोड़ रुपए आप मान के चलो थी, लेकिन अभी बोली लगाने वालों ने 640 करोड़ रुपए जो है उसकी बोली लगाई है और उनको जो है जल्दी आवंटन कर दिया जाएगा। अगर मैं एक रेंज की बात करूं तो देखिए, आई तो ये सबकी करोड़ों में ही है, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 10 से 12 करोड़ के अंदर जो है ये मोटा मोटी इसकी जो है बोली गई है। बोली में क्या होता है, थोड़ा सा ईगो भी मैटर करता है, जिसकी वजह से लोग जो है बोली लगा देते हैं। कुछ को मालूम नहीं होता, ये कहना तो गलत होगा कि मालूम नहीं था। देखिए, जब 50,000 के इंक्रीमेंटल पे जब ऑक्शन हो रही है तो आपको बोली का तो पता चल ही रहा है। उसमें देखिए आपको बिड भी दिखाता है कि आपकी कितने नंबर की बिड आ रही है, तो आप जो है थोड़ा सा अहम में आकर के उसकी बोली लगाते चले जाते हो। एक ने 9 करोड़ की लगाई है तो अगले ने फिर जो है उससे ऊपर के लगा दी। तो इस तरीके से जो है नोएडा ऑक्शन जो है अभी चल रहा है और जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कितने लोगों की रिपोर्ट आती है कि भाई हमसे गलती से हो गया था और हमारी जो है EMD जो है जब्त ना की जाए। दूसरा, यहाँ पर येड़ा के रिगार्डिंग एक सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि उनका जो है लॉगिन नहीं हो पा रहा है, डैशबोर्ड ओपन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये जिस दिन लास्ट डेट होती है अथॉरिटी, जिस दिन लास्ट डेट रखती है उस दिन के बाद ये जो है लॉगिन नहीं हो पाता है, तो आपने जो है वहाँ पर जाकर के मशक्कत नहीं करनी है। अभी आप जो है लिस्ट का वेट कीजिए, जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। और आप तो आप जो है उसमें अगर कोई एरर आएगा या कोई किसी तरीके की उसमें कोई कमी रह गई है, एरर कह रहा हूँ बेसिकली, उसमें कोई कुछ कमी रह जाएगी डॉक्यूमेंट्स की या किसी नाम वगैरह की, तो आपको जो है मौका दिया जाएगा और आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी और उन लोगों का जो है ड्रॉ किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमको वापस करनी है अपना जो एप्लीकेशन है, विड्रॉ करनी है। तो देखिए, आप एक लेटर लिखिए और फिजिकली जाकर के यमुना अथॉरिटी में जो है उसको आप जमा कराइए, जिससे कि एप्लीकेशन जो है आपकी जल्द से जल्द लग सके। अगर एक बार लिस्ट लग गई और उसके बाद आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है किसी ईमेल वगैरह के चक्कर में ना पड़े, सीधा जाए और फिजिकली जो है उसकी रिसीविंग भी लेनी है आपने, ठीक है। तो ये आपने काम कर लेना है फटाफट से जब तक लिस्ट तैयार होती है। तो चलता हूँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बने रहने के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी कई बार कर चुका हूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो वेलसुन फार्मेसी चैनल है आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी दवाई के बारे में या किसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।